उज्जैन में हुई बलात्कार की घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ बीजेपी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री मोहन यादव के निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है? मध्य प्रदेश में जंगल राज है, मध्य प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टेंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री, क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान, क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। वो किसी भी परिस्थिति में नया एसटी एससी बहने या व्यापारी या आमजन सुरक्षित भी नहीं है, और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है देश में कहीं नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी, संज्ञान में लाओ, देश के गृहमंत्री संज्ञान में लाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके, जरूर वहां पे जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। मध्य प्रदेश में हालात बस से बदतर।